अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज भंडिया बहुत ही मज़े की चिकन बिरयानी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी, मैंने इसके लिए राइस 2 गिलास, प्याज है, अनियन 2 से 3, अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 खाने के चम्मच, टमाटर हरी मिर्चें, साथ में है जी आलू बुखारा और मसालों में। साथ में है जी हमारे पास चिकन, चिकन के साथ में जी 1 प्याली दही, मसाले हैं जी नमक मिर्च सूखा धनिया हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी है, ज़ीरा है, लाल मिर्चें, लौंग और तेज़पात के पत्ते हैं, छोटी बड़ी इलायची है और एक जर्दे का। एक बाउल में चिकन डालेंगे, चिकन डालने के बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम जी 1 प्याली दही इसके अंदर जाएगी। दही ऐड करने के बाद इसके मसाले ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स तक। ये देखें, अच्छे से मिक्स करना है तमाम मसालों को चिकन के साथ। अब एक बर्तन पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप, उसमें ऐड कर देंगे हम प्याज, प्याज को करेंगे इसमें डाल के फ्राई कलर तक। देखिए इसको मिक्स करेंगे, जब प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ये देखें जी हमारे प्याज हो रहे हैं सॉफ्ट। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने खड़े मसाले। खड़े मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी आप प्याज के साथ फ्राई हो जाए। दूसरी साइड पे हम पानी बॉयल करेंगे चावलों के लिए। ये देखिए जी हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन, इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन, साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर और हरी मिर्चें, आलू बुखारा वो भी इसमें ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन तमाम चीज़ों को एक साथ पका लेंगे। जो चिकन है वो दही के पानी में, आलू बुखारे के पानी में अच्छे से गल जाएगा और ये एक बिरयानी का कौरमा रेडी हो जाएगा। कवर करेंगे चिकन गलने तक कि देखें जी चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया है। ऐसे इसके जो टमाटर हरी मिर्ची इस तरह खड़ी रहेंगी ताकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा बिरयानी में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो चिकन का कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए, जो चिकन है ग्रेवी बन जाए। कवर कर दें इसको। ये देखिए चावल हमारे हो गए हैं बॉयल, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सादे नमक वाले पानी से इसको मैंने बॉयल किया है। इसको हम हाफ कुक करेंगे, इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें जी चिकन हमारा हो गया है ऑलमोस्ट डन। ये देखिए कितना अच्छा कौरमा बन गया चिकन का। ये देखें जी डन हो गया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लगाएंगे चावल की और कौरमे की तय, पहले सालन की तय, उसके बाद चिकन की उस चावलों की तय लगाएंगे। चिकन की तय के बाद इसी तरह से 2 तय कौरमे की होंगी और 2 ही चावलों की। उसके ऊपर से हम जर्दा रंग फूड कलर स्प्रिंकल कर देंगे, आप चाहें तो पानी के अंदर मिक्स करके भी इसको डाल सकते हैं। इसको दम लगाएंगे तकरीबन 15-20 मिनट का।